चलो मैं प्रांशु शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा विषय है संत थॉमस एक्विनास के चर्च और राज्य संबंधी विचार। तत्कालीन समय में अर्थात 13वीं शताब्दी में जो शताब्दी थी उस शताब्दी के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा ओक वाली विचारधारा है और दूसरी विचारधारा स्कॉलेस्टिक विचारधारा रही है। स्कॉलेस्टिक विचारधारा अरस्तु के विचारों से प्रभावित विचारधारा विवेकजनित विचारधारा है। तो दूसरी ओर ओकवादी विचारधारा श्रद्धा और विश्वास पर निहित विचारधारा है। तो इन दोनों विचारधाराओं में अंतर है। अब दोनों विचारधाराएं क्या है इन दोनों को समझने के पश्चात ही संत थॉमस एक्विनास के चर्च राज्य संबंधों पर चर्चा सही कर समझना। पहली जो विचारधारा है ओकवादी विचारधारा ये कहती है कि राज्यपाल का प्रतीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब राज्य की व्यक्ति की जो उत्पत्ति हुई स्वर्ग में एक वृक्ष के फल खाने के कारण आज्ञा का ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्हें पृथ्वी पर डाल दिया गया कि तुमने पाप किया है आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए व्यक्ति का जन्म पृथ्वी पर हुआ। इसका मतलब हुआ उसने आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है तो पाप के कारण पृथ्वी पर उसे आना पड़ा है। इसी प्रकार राज्य भी राज्य पाप का परिणाम हुआ। जो व्यक्ति पापी है तो राज्य भी उस पाप के परिणाम स्वरूप हुआ। दूसरी ओर वो कहते हैं कि राज्य अस्वाभाविक संस्था है। व्यक्ति के स्वभाव में राज्य नहीं स्वभाव में तो उसके नाम ने देखा कि आदेश कर अवज्ञा करता है पाप कर देता है ईश्वर आराधना करना चाहता है। तो उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव अलग है राज्य का स्वभाव नहीं है क्योंकि स्वर्ग है स्वर्ग में देव है राज्य नहीं। तो इसलिए यहाँ राज्य जो है वो अस्वाभाविक जाता है लक्ष्य उसका श्रेष्ठ जीवन है। तो श्रेष्ठ जीवन कैसे हो उसकी परिस्थितियां निर्मित
लौकिक और सांसारिक विषय राज्य के अधीन है। अर्थात ये जो सृष्टि है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो राजा है वो राजा इस पृथ्वी के सारे सुखों का मालिक है, सबका स्वामी है, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो चाहे वो अनेक पदार्थ हो। तो ये जो लौकिक जगत है अर्थात लोक, यह लोक जिस लोक में हम रह रहे हैं वो यह लोक कहलाता है, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। ये लोक जो है ये सांसारिक है, अर्थात इसमें संसार के प्राणी रहते हैं और उनकी सांसारिक जिज्ञासाएं, सांसारिक इच्छाएं होती है, जैसे भोग है, आनंद की अनुभूति है, उसके साथ जो दूसरे का सहयोग करना है, संतुष्टि है, लाभ की प्राप्ति है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा दिखना, ये स्वभाव। तो ये सारी चीजें सांसारिक है, अर्थात सृष्टि का निर्माण जिसे हम काम कहते हैं वो भी सांसारिक विषय है। इसलिए ये सांसारिक सारे जो विषय है ये राज्य के अधीन है, राज्य की सत्ता इनके कायम पहुंची, इस पर अन्य कोई चर्च वगैरह की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए वो कहते हैं कि चर्च को लौकिक शक्तियों के बारे में, लौकिक सत्ता के बारे में हस्तक्षेप नहीं करना। अब हम जब दोनों विचारधाराओं को समझ चुके हैं तो अंतर क्या हुआ? एक विचारधारा जो है श्रद्धा की बात करती है, विश्वास की बात करती है, एक विचारधारा विवेक की बात करती है, बुद्धि की बात करती है, ज्ञान की बात करती है, एक विचारधारा जो दृश्य दिखाई देता है उसकी बात करती है, संसार की बात करती है, एक विचारधारा अदृश्य की बात करती है, स्वर्ग जो कहीं देखा ही नहीं, मरने के बाद भी क्या बात नहीं देखेंगे, तो ऐसी बात करती है। इसके दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हो जाती है और दोनों के मध्य संघर्ष व्याप्त रहता है, चर्च और राज्य के मध्य युद्ध चलता है, संघर्ष होता है। ऐसे समय में इस संघर्ष का अंत करने के लिए और एक श्रेष्ठता का निर्माण करने के लिए 13वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ जो विचारक है संत थॉमस एक्विनास हैं, और वो ये करते हैं राज्य और चर्च इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं और समन्वय के साथ इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की नूतन विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात एक ओर वो बुद्धि और विवेक को स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर वो श्रद्धा और विश्वास को स्वीकार करते हैं, एक ओर वो चर्च को स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर जो है सांसारिक जीवन को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि जो ये संसार है इसमें चर्च और राज्य ये दो चीजें हैं, ये दोनों पृथक दिखाई तो देती हैं पर दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों का जो निर्माता है वो ईश्वर है, एक। इसलिए इन दोनों में संघर्ष नहीं, सहयोग होना चाहिए। फिर वो कहते हैं संत थॉमस एक्विनास कि मनुष्य एक है पर उसके उद्देश्य दो है, व्यक्ति तो एक है उसके उद्देश्य दो है, अर्थात दोहरे लाभ की बात करता है, दोहरे उद्देश्य की बात करता है। पहला उद्देश्य उसका लौकिक सुखों की प्राप्ति, लौकिक मतलब सांसारिक भौतिक आदि सुखों की प्राप्ति करना लक्ष्य है व्यक्ति का, और वो लक्ष्य क्या है? सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, सुख, आनंद की अनुभूति, अर्थात ये जो बाह्य कार्य है इन सारे बाह्य कार्यों को लौकिक कामों की सुखी और लौकिक कामों की संतुष्टि के लिए जो संधान से गुनास ये कहते हैं कि ये लौकिक कार्य है, इसके ऊपर राज्य आवश्यक है, राज्य ही इन्हें विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। दूसरे पारलौकिक उद्देश्य जो है आत्मा की शुद्धि का उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य है, आत्मोद्वार का उद्देश्य है, आंतरिक जो है आत्मा जो आंतरिक तत्व है उस तत्व का विकास है, अनुभूति है। अर्थात एक प्रकार से व्यक्ति का जो लक्ष्य है आनंद की अनुभूति प्राप्त करना है। पर आनंद दो प्रकार का बता रहे हो, एक शारीरिक आनंद और एक आत्मिक आनंद। शारीरिक आनंद इस संसार के लिए है, जैसे जन्म है, इसके साथ विवाह है, इसके साथ एक दूसरे का सहयोग है, ये जो इच्छाएं हैं, जो बाह्य इच्छाएं दिखाई देती है, जो शारीरिक सुख इच्छाएं दिखाई देती है, जो भौतिक इच्छाएं दिखाई देती है, इन सब की पूर्ति करके व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए इस आनंद की अनुभूति का कार्य राज्य का कार्य है, अर्थात शारीरिक सुखों में सहयोग करने का काम राज्य करता है और दूसरी ओर आत्मिक सुख है इसमें सहयोग का काम चर्च करता है। इसलिए चर्च और राज्य दोनों व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, दोनों का लक्ष्य व्यक्ति का निर्माण करना है, इसलिए दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है, ऐसा थॉमस एक्विनास मानकर चलते हैं। और वो ये कहते हैं कि चर्च जानता है कि अच्छा जीवन क्या है। प्रश्न आता है कैसे जानता है अच्छा जीवन क्या है, व्यक्ति का जीवन अच्छा जीवन होना चाहिए तो अच्छा जीवन क्या है इसके बारे में चर्च जानता है। और वो इसलिए जानता है कि वो देवी कानूनों को जानता है, वो पवित्र परंपराओं को जानता है, वो निरंतर अंतःकरणा आत्मा की चेतना से इस श्रुतियों के आधार पर निर्माण करने की बात करता है। फिर वो कहता है कि आध्यात्म
व्यक्तिपूर्ण नहीं है। राज्य और व्यक्ति दोनों मिलकर के आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। इसलिए राज्य और चर्च एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। चर्च और राज्य में कभी भी संगठनों का विभेद हो सकता है कि अलग संगठन है, पर जो चर्च है वो सामाजिक संस्थान में जो उपक्रम जितने भी संगठन है उन सारे संगठनों में श्रेष्ठ संगठन है। आगे वो कहते हैं कि जो विवेक है उस विवेक के आधार पर ही व्यक्ति में गुणों का विकास होता है। अब देखें यहाँ फिर भी इसको फिर विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं कि विवेक के आधार पर व्यक्ति में गुणों का विकास होता है। तो जब विवेक होगा तो सद्गुणों का निर्माण होगा, जब सद्गुणों का निर्माण होगा तो आत्मा शुद्ध होगी, श्रेष्ठ होगी, नैतिक होगी। जब आत्मा शुद्ध और श्रेष्ठ और नैतिक होगी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की ओर व्यक्ति चला जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार राज्य और चर्च दोनों एक व्यक्ति के विकास में भूमिका अदा करते हैं, दोनों के अंदर प्रतिद्वंद का नहीं सहयोग होना चाहिए, क्योंकि विवेक जो है व्यक्ति को कर्तव्य की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि चर्च और राज्य दोनों की नियामक शक्ति अगर कोई है विश्व में तो वो ईश्वर है, और ईश्वर के अतिरिक्त विश्व में दूसरी कोई भी सत्ता या शक्ति नहीं है। इसलिए वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः राजा को भी पारलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, पारलौकिक गमन के लिए, पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए चर्च की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और चर्च को सांसारिक जो सुख भोग है कार्य इन कार्यों में राजा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य के संबंध में एक विनाश के विचार बिल्कुल डिफरेंट है। एक विनाश केवल महाप्रभुवादी विचार नहीं स्वीकार करता, पोप और अरस्तु के दोनों के विचार को स्वीकार करके एक समन्वयात्मक विचार देता है और कहता है कि राज्य जो है पापों का परिणाम नहीं स्वाभाविक संस्था, पाप का परिणाम व्यक्ति है, राज्य नहीं, उन पापों को रोकने का काम राज्य करता है। देखिए इसको ये क्या कह रहा है, तो चर्च की विचारधारा और इसको दृष्टि विचारधारा को जोड़ देता है कि व्यक्ति पाप का परिणाम हो सकता है, राज्य पाप का परिणाम नहीं, पापों से मुक्ति के लिए राज्य सहयोग करता है। इसलिए जो राज्य है उस राज्य का जो उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो स्वाभाविक कारण है। लौकिक मामलों में जो है राज्य सर्वोपरि माना जाता है, दो सत्ताएं विभेद में दिखाई देती है परंतु ये विभेदात्मक नहीं है। राजा अपने अधिकार पोप से प्राप्त करता है, ऐसी जो विचारधारा है उसका ये खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये सभी विचार जो है ईश्वर से प्राप्त करते हैं, और दोनों मिलकर दोनों सत्ताओं के उद्भव का अगर कोई कारण है तो देवीय मूलक कारण है, और देवीय मूलक कारण अर्थात डिवाइन लॉ है, ईश्वरीय आदेश है। शुद्ध लौकिक विषय में राज्य सर्वोपरि का कार्य करे, राज्य की सत्ता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, और पारलौकिक और आध्यात्मिक शुद्धता में चर्च की आज्ञा का पालन राजा को भी करना चाहिए। इस प्रकार सत्य का ज्ञान तर्क और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा और विश्वास उसमें बाधक नहीं बल्कि विकसित होने में सहयोग प्रदान करते हैं, और इन दोनों का उद्देश्य जो है व्यक्ति का भौतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य अर्थात भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति है, और आध्यात्मिक सुख ही अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सुख की प्राप्ति है। इसलिए विशिष्ट परिस्थितियों में यहाँ तक कह जाता है संधाना कि जब कोई विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए राज्य में तब चर्च राजा को अपदस्थ करने के अधिकार रखता है, शक्ति रखता है, वो प्रजा को राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का आदेश भी दे सकता है, पर कब, जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, अन्यथा नहीं। मनुष्य के कल्याण और दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन धार्मिक सत्ता की स्वीकृति है, अर्थात यूनानी आधार पर, यूनानी चिंतन के विचारों पर, यूनानी शिलाओं के ऊपर चर्च रूपी आधारशिला स्थापित करने का कार्य अरस्तु करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनानी आधार पर इस ईसाई भवन खड़ा करता है, तो उसकी जो छत है वो तो ईसाई की छत है, और उसकी जो पिलर्स हैं वो पिलर्स सांसारिक रूप से अर्थात दीवार और अरस्तुवाद के रूप में दिखाई देते हैं। दलील कहते हैं कि एक्विनास पुराने धारणाओं को तर्क द्वारा प्रमाणित करके नया जामा पहना देता है, और वही बात कहना चाहते हैं जो उससे पूर्व के धार्मिक विचारक कहते थे और कहते आए थे। ये भी यही कह रहा है कि चर्च संपूर्ण मुक्ति का मार्ग देता है, अंत में वही कर रहा है, और उसी बात को लौकिक रूप से तार्किक दृष्टि से प्रमाणित करने का कार्य करता है। इसलिए ये समन्वयवादी विचारक है, दोनों सत्ताओं में भेद को समाप्त करके दोनों को एक बना देने का कार्य करता है, दोनों में द्वंद्व के स्थान पर
समन्वय का विचार देता है और सर्वोच्चता की जहां तक बात की जाती है वो कहता है कि सर्वोच्च न तो चर्च है नहीं राज्य है, सर्वोच्च ईश्वर है जिसके आदेशों की पालना के लिए ये दोनों सत्ताएं और संस्थाएं बनी हुई है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का समर्थन करता है, प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक रूप में राजसत्ता का समर्थन करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में असांसारिक जैसे लाइफ आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद का जीवन स्वर्गीय जीवन की बात करें तो वहां चर्च की स्वीकृति चर्च के निर्देश और आदेश को स्वीकार करता है। इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी के ये विचारक दो संघर्ष को अंत करते हैं और एक समन्वय का विचार देते हैं और इनके विचार ईसाई के विचार और बुद्धिवाद के विचारों का संश्लेषण दिखाई देता है और इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ विचार भी माने।